हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का वीडियो शेयर करूंगी, जिसको कि आप शॉल, स्टॉल, पोंचू, कार्डिगन, मफलर, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए या डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो इस सुंदर डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने चेन लगा के डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम तीन चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे। डबल क्रोशिया को छोड़ के सेकेंड डबल क्रोशिया पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि चेन को भी हमने डबल क्रोशिया में ले लिया। तो ये हो गए हमारे दो डबल क्रोशिए, तीन, चार, ये पांच, पांच डबल क्रोशिए हो गए। फिर दो चेन लगाएंगे, फिर एक, दो, ये दो डबल क्रोशिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिए पे हम डबल क्रोशिया करेंगे तो हम 10 डबल क्रोशिए कर लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। फिर दो चेन लगाएंगे, फिर एक, दो, ये दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया करेंगे, यानी हम टोटल 10 डबल क्रोशिया कर लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दो चेन लगाएंगे, दो दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक, दो, फिर एक, दो, तीन, चार, तीन डबल क्रोशिया फालतू हैं तो इसका इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। चार, पाँच, तो ये पांच डबल क्रोशिया हो गए हमारे, इस तरह से आएगा। फ्रेंड्स, आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीन चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसको भी हमने डबल क्रोशिया में ले लिया, चेन को भी। तो दो, तीन, चार, पाँच, तो ये पांच डबल क्रोशिया हो गए। फिर दो चेन लगाएंगे, फिर ये 10 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दो चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी हम 10 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दो चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे, लास्ट में चेन को हमने डबल क्रोशिया किया था तो यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया कर लेंगे।
इस तरह से हम इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे, जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने लेंथ बना ली है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने ये दो डबल क्रोशिया छोड़े थे तो इसके सेंटर में हम लेंगे ये इस तरह से, ये सीधी साइड है इस तरह से, पहले हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लगाएं, दो चेन लगाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया कर देंगे, इस टाइप से आएगा फ्रेंड्स। फिर हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चेन लगाएंगे, बारह चेन लगा के हम दस डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया छोड़े थे, ये लूप लेके ये दो डबल क्रोशिया छोड़े थे सेंटर में आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे फिर हम पहले दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो, फिर एक दो चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे हम करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, एक दो, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आएगा इस तरह, फिर 12 चेन लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 चेन लगा के लूप लेके फिर यहीं पे आएंगे, ये 10 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, ये जो दो डबल क्रोशिया छोड़े थे हमने सेंटर में हम फिर करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे कर देंगे हम दो बार डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स अब हमने आगे डबल क्रोशिया कुछ नहीं करना, यहीं से हम तीन चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लूप लेके अब हम इस तरह, पहले इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से, इस तरह से करेंगे, अब हमने ये दो चेन लगाई है इसको और ये दो चेन इसमें, इसमें से इस तरह से लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से दो बार डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे हम, दो बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर वहीं से फिर वैसे ही हम करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से दो बार डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। हमने 12 चेन लगाई थी, अब 11 लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 चेन लगा के अब हम लूप लेंगे, अब हमने पहले इसको इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से कर लेंगे, अब हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से लेंगे इस तरह से, यहाँ से डालेंगे इस तरह से, फिर लूप लेंगे, ये देखिए इस तरह से लूप लेंगे, ये तीन, फिर दो, दो का एक, इस तरह से हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे हम जैसे पहले दो बार डबल क्रोशिया किया था वैसे भी हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो इस तरह, फिर इसी तरह से हम 11 चेन लगा के यहाँ पे करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया, फिर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब दो तीन चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, फिर इस तरह से ये आएगा हमारा, ये देखिए अब हम फिर यहाँ से और यहाँ से ने क्या किया था, दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे, फिर ये दो चेन है इसके साथ इसको इस तरह से अटैच करके हम पहले दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो चेन, फिर वैसे ही हम दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, वहीं पे करेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया, फिर 10 चेन लगाएंगे,
पहले 12 थी, फिर 11, अब 10, फिर लूप लेंगे, फिर पहले यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे, इस तरह से हम करेंगे। पहले 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे कर लिया, इस तरह से आएगा ये हमारा डिज़ाइन। अभी हम 3 चेन लगाएंगे, यहीं से हम मोड़ लेंगे। अब हम फिर वैसे ही यहाँ से करेंगे, चेन है, ये चेन है, यहाँ से फिर हम यहाँ से फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वहीं पे हम डालेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम 12 चेन लगाएंगे। बारह चेन लगाने के बाद लूप लिया, फिर वहीं पे आएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से लिया, फिर यहाँ, इस तरह से हम करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर वहीं पे कर देंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 12 चेन लगा के यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे हमारा डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे। अब हम फिर वैसे ही यहाँ से और यहाँ से डालेंगे। पहले 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वहीं पे हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम पहले 6 चेन लगाएंगे, 4, 5, 6 चेन लगा ली। 6 चेन लगाने के बाद हम यहाँ से स्टार्टिंग से हम सारी चेन को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से हम लेंगे, 2 है तो हम ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, फिर इस तरह से लेंगे हम, 2 का 1 कर देंगे, ये इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। फिर 6 चेन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लगाई। फिर वैसे ही हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से हम पहले 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ही आएगा हमारा। फिर 6 चेन लगाएंगे, फिर लास्ट जो हमने 12 चेन लगाई थी वहाँ से हम सारी चेन को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे, फिर 2, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, यानी सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने 10 चेन लगाई थी, ये 12, 11, 10 चेन लगाई थी, तो वहाँ से हम इस तरह से हम, ये देखिए, लेके 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरह। फिर 6 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे हम पहले 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से, क्योंकि ये और साथ में हमने ये 2 चेन लगाई थी, इसको साथ इकट्ठा लेके करना है। ये देखिए, ये यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वहीं पे, ये देखिए यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड, इसके फ्रेंड कितना सुंदर डिज़ाइन आया, ये देखिए। इस 3 चेन लगाएंगे, यहीं से हम उल्टाएंगे, फिर यहीं से हम लूप लेके यहाँ से, फिर यहाँ से,
डबल क्रोशिया करेंगे पहले दो बार, फिर दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, फिर 12 चेन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से लेंगे हम फिर दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे कर देंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। ये डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से फिर हमारा नया डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से चलेगा ये हमारा डिज़ाइन। तो फ्रेंड इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। पहले हमने फ्रंट साइड से हमने इसको जोड़ा था, जो ये हमने चेन लगाई थी इसको जोड़ा था, अब बैक साइड से जोड़ेंगे। एक बार हमारा फ्रंट साइड से, एक बार हमारा बैक साइड से आएगा। तो इधर तो मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 6 चेन लगाई हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से लेते थे फ्रंट साइड से, क्योंकि अब हम बैक साइड पे हैं तो हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से, इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम, ये हमारा दो, दो का एक कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ से एक बार से हम यहाँ से, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से एक कर देंगे, फिर 6 चेन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 वो चेन लगाई थी वहाँ से, और ये दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया, तो दो चेन यहाँ पे लगाई थी हमने वहाँ से, इस तरह से हम कर देंगे पहले दो बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर वहीं पे कर देंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसको आप शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, पोंचू, मफलर में डालोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स ये डिज़ाइन। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।